हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्राइक लाइफ। और आज मैं फिर से आ चुकी हूँ जॉय स्पाइक पॉइंट पे, जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ब्रांड की सुपर बाइक देखने मिलेंगे। और आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी जॉय स्पाइक पॉइंट पे कौन सा सुपर बाइक का स्टॉक है, उसका प्राइस कितने से स्टार्ट हो रहा है और कितना अफोर्डेबल प्राइस में आप लोग सुपर बाइक ले सकते हैं। तो चलिए दिखाते और जॉय को बुलाते और बाइक्स के बारे में जानते, इस बार देखते नया बाइक कौन सा है और कौन सा बाइक में सबसे ज़्यादा मज़ा आने जा रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते, आई होप आप लोग बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिए। तो हम आ चुके हैं जॉय बाइक पॉइंट पे, जैसे कि आप सभी लोगों को मैंने बताया, और मेरे साथ फिर से एक बार शुरू जॉय है और बाइक के बारे में बहुत डिटेल्स में इस बार भी हम लोगों को बताएंगे और अभी क्या ऑफर्स चल रहे हैं, क्या प्राइस चल रहा है बाइक का, सारा डिटेल में बताएंगे। तो पहले कावासाकी 650 के बारे में बात करते हैं। बहुत डिमांडिंग बाइक है और ये जो है 2020 का मॉडल है, करंट मॉडल है। अच्छा, तो अभी यही शेप चल रहा है करंटली, तो बहुत पसंदीदार कलर है ये, मतलब 2020 मॉडल है ये। कलर शेप में टेनार भी आता था पहले 2020 में, तो ये 2020 का गाड़ी है। 20 मैन्युफैक्चर 20 रजिस्टर्ड बाइक है, सिंगल ओनर बाइक है। 18,100 किलोमीटर चला हुआ है बाइक। नया कुछ 8.35 का भी प्राइस है हम लोग के पास, इसका जो प्राइस है वो है 4,80,000। 4,80,000, मतलब 4,80,000 में सुपर बाइक मिल रहा है, मतलब बहुत ही अफोर्डेबल है। और सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है अभी, अगर आप रोड पे संडे राइड बहुत कोई जाते हैं, अगर संडे राइड पे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा अगर कोई ब्रांड का बाइक चलता है वो है कावासाकी का 900 ZXTNR। मतलब अभी कावासाकी तो पूरा छाया हुआ है, पूरा छाया हुआ है मार्केट, सिर्फ कोलकाता नहीं पूरा इंडिया में। नेक्स्ट है होंडा CBR 650R, और इस बाइक के बारे में बताइए। बहुत डिमांडेड बाइक है और ये बाइक का जो खासियत है, जो मैं इसको बोलता हूँ कि इसको लेके आप आराम से टूरिंग भी कर सकते हो, आप इसको लेके हाईवे राइड भी कर सकते हो, संडे राइड भी कर सकते हो, और इसको लेके अगर आप चाहेंगे कि डेली कैजुअल सिटी में राइड करेंगे, ऑफिस जाएंगे, वो भी आप कर सकते हो। तो ये बाइक सब पर्पज़ को सॉल्व करता है। इसका माइलेज कितना है? माइलेज आप सिटी में भी अगर आप स्ट्रॉन्ग में चलाएंगे तो आप 20 तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं मिनिमम। और लेकिन इसका जो टॉप एंड है वो बहुत ज़्यादा है, 250 तक जाता है गाड़ी। और ब्रेकिंग भी बहुत अच्छा है इसमें, ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है और बाइक लुक्स में तो एकदम बहुत ट्रिपल आर जैसा ही दिखता है। और गाड़ी में इफोटेक का फ्रेम स्लाइडर्स, ये इफोटेक का फॉक प्रोटेक्टर्स, और इधर RNG का रेयर बॉबिंस लगा हुआ है। बाकी गाड़ी स्टॉक ही है, गाड़ी में ये अच्छा सा PPF किया हुआ है। इसका सीट कैपेसिटी जो फिलियन सीट है ना, ये बहुत ब्रॉड है, दूसरे बाइक में कंपैरिजन बहुत छोटा होता है। फैमिली मैन होते हैं उनके लिए तो बहुत उनके लिए बहुत अच्छा है। ये 2019 का बाइक है, ये बाइक 2019 में ही आया था, कुछ दिन के लिए 2019 में, फिर 21 में लॉन्च किया। तो ये 17,800 किलोमीटर चला हुआ है, गाड़ी सेकेंड ओनर है। और ये जो बाइक है इसका नया अभी कुछ 11 लाख के आसपास प्राइस है, और हम लोग के पास इसका जो आस्किंग प्राइस है वो है 7,95,000। नेक्स्ट है ZXTNR, कावासाकी का अभी जो हॉट केक बोले जाते हैं वो है ZXTNR। ये जो मॉडल है ये ZXTNR सबसे बेस्ट मॉडल है, इसमें आपको नॉर्मल टेनर से 7 BHP पावर का गेन मिलता है। यही जो बाइक है, पहले आपको लिपर इस बाइक में आया था, इससे पहले 10 RR में ऑटो लिपर आता था। ये जो मॉडल है ये ZXTNR का सबसे बेस्ट मॉडल था, ये 2019 मॉडल है, थर्ड ओनर बाइक है। और गाड़ी में आप देख सकते हैं लिवर प्रोटेक्टर, ट्यूब का विंगलेट्स, ये इवोटेक का फॉक प्रोटेक्टर्स, इवोटेक का रेडिएटर व्हील, प्यूब प्रो का फ्रेम स्लाइडर्स, और एडो प्रोडेस टाइटेनियम एग्जॉस्ट, ये सिवेज का टेल्ट आईडी, सीट एंड फुट पेक्स, जो जो मैंडेटरी एक्सेसरीज होते हैं कंप्लीट डाला हुआ है, आपको कुछ एक्सेसरीज को लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है ये 2019 का बाइक है, कोडी रजिस्टर्ड बाइक है, चला हुआ है 24,000 के आसपास। ये जो बाइक है इसका आस्किंग प्राइस हम लोग के पास है 12,25,000। नेक्स्ट जो बाइक है हम लोग के पास सुजुकी GSX R 1000। ये जो बाइक है इसका खासियत है कि इस सेगमेंट में इसका जो इनिशियल पावर है सबसे ज़्यादा है, माइलेज जो है सबसे ज़्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है सबसे कम है। जैसे कि आपने बोला सर्विस कॉस्ट बहुत कम है, फिर भी कितना प्राइस मिलेगा? 7,000 के अंदर, 7,000 to 8,000 गाड़ी। और इसका माइलेज भी बहुत अच्छा है, 12 के ऊपर ही देता है, 14 तक। सिंगल ओनर बाइक है, बहुत सारे एक्सेसरीज हैं, जैसे इसमें आपको देख सकते हैं ट्यूब का विंडस्क्रीन लगा हुआ है, ये गैल्फर का रेसिंग रोटर्स लगा हुआ है, फॉग प्रोटेक्टर लगा हुआ है, अच्छा ऑयल कूलर गर्ड लगा हुआ है, ट्यूब प्रो फ्रेम स्लाइडर लगा हुआ है। इसमें आपको
GSG मोटो का फॉक प्रोटेक्टर लगा हुआ है, स्पूल्स लगा हुआ है, तो देख सकते हैं टेक्सपेक का ट्रैक्शन पैड लगा हुआ है, यूशी मोड़ा का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, जिसका क्विक शिफ्टर मिल जाएगा। ये गाड़ी में स्टैंडर्ड ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता, इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी लगा हुआ है। यह है ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच, इसमें बजाज का कंप्लीट मॉड्यूल लगा हुआ है, ZFI एंड ZFM, और इसके लिए इसका पावर भी दूसरे G6R से बहुत ज़्यादा है। ये 2016 का गाड़ी है, 15 मैन्युफैक्चर, 16 रजिस्टर्ड, एक ही रजिस्टर्ड बाइक है, और ये फुल्ली लोडेड G6R हम लोग के पास जो प्राइस है वो है 9.5। पर बता दीजिए यहाँ का EMI प्रोसेस क्या है और डाउन पेमेंट कितना है। फाइनेंस WP रजिस्टर्ड बाइक में हो जाता है, बाइक का एज अगर 5 ईयर्स के अंदर हुआ तभी होगा, मतलब सोच लीजिए ये 23 है तो 2018 का बाइक से है, फाइनेंस फ्री होगा। और ये फाइनेंस हम लोग का जो रेंज रहता है 85 किलोमीटर्स के अंदर उनका शोरूम से, उसमें फाइनेंस ये हम लोग का शोरूम से ही हो जाता है। अगर 85 किलोमीटर से ज़्यादा दूर हो जाएंगे तो भी कोई टेंशन नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो रेजिडेंशियल कस्टमर आप हुए तो आपका जो नियरेस्ट येस बैंक ब्रांच है उसमें हम लोग का ही कोर्ट से आपको फाइनेंस हो जाएगा। हाँ, हम लोग के पास येस बैंक का फाइनेंस है, और अगर आपको EMI कुछ भी जानना है तो हम लोग का वेबसाइट पे जाएंगे तो उधर फाइनेंसिंग बोल के ऑप्शन है, उसमें आप जाएंगे तो आपको EMI कैलकुलेटर है, सिंपली आपके जो लोन अमाउंट है उसमें डालिए तो आपको कंप्लीट कितना साल का टेन्योर है और क्या क्या है सब कुछ उधर मिल जाएगा। नेक्स्ट बाइक है G6 S750, और ये बाइक कितने साल पुराना है? ये 2019 का बाइक है, ओडी रजिस्टर्ड बाइक है, सेकेंड ओनर है, और जैसे कि मैंने बोला कि सुजुकी का बाइक का मेंटेनेंस बहुत कम होता है। हाँ। और माइलेज भी अच्छा होता है, हीटिंग भी उतना नहीं होता, इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा। ये 16,000 के आसपास चला हुआ है गाड़ी, गाड़ी में ज़्यादा कुछ एक्सेस लगा नहीं है, सिर्फ इसमें आपको AC का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, जो किसी भी कस्टमर को सबसे मेन लगता है कि एग्जॉस्ट होना इसमें आपको TFT स्क्रीन S1000 जैसा मिल जाएगा, या फिर जॉयस्टिक भी मिल जाएगा S1000 जैसे, तो बाइक बहुत प्रीमियम है, बहुत बढ़िया बाइक है, स्टीयरिंग डैम्पर भी मिलता है जो कि बहुत सेफ्टी फीचर्स है। तो ये जो बाइक है ये चला हुआ है 7,500 के आसपास, 2022 का ही बाइक है, एक साल का ही बाइक है गाड़ी, सेकेंड ओनर है, WP रजिस्टर्ड बाइक है, और इसका नया 12,85 ऐसा कुछ प्राइस था, और हम लोग के पास इसका जो प्राइस है वो है 6,75,000। तो चलिए नेक्स्ट बाइक की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे ना अभी बहुत सारा बाइक ऐसा है कि आज मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो सब सोल्ड हो चुका है। ओके, नेक्स्ट बाइक है डुकाटी मॉन्स्टर, और ये बहुत मतलब नेकेड बाइक में ना डुकाटी का ये बाइक बहुत ज़्यादा लोग पसंद करने लगे हैं। अभी पहले क्या होता है V4 पेनिकली V4 लोग पसंद करते हैं, बट ये भी बहुत चाहिए अच्छा ही तो बाइक है, तो चलिए इस बाइक के बारे में जानते हैं। यह है डुकाटी मॉन्स्टर 796, और इसका जो खास बात है इसका ये सीट के नीचे अंडर सीट एग्जॉस्ट, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा और एग्रेसिव लुक देता है, और ये जो बाइक है आपको दूर से अट्रैक्ट करता है। तो ये जो बाइक है ये 2011 का बाइक है, थोड़ा पुराना बाइक है, इसके लिए आपका रेट भी आपको बहुत अफोर्डेबल रेट में मिलेगा। ये WP रजिस्टर्ड बाइक है, ये थर्ड ओनर बाइक है, और इसका जो आस्किंग प्राइस हम लोग के पास है जस्ट 3,30,000। नेक्स्ट बाइक है ट्रैम्प स्ट्रीट ट्रिपल, ये है ट्रैम्प का स्ट्रीट ट्रिपल 3 सिलेंडर, बहुत बढ़िया बाइक है, और बहुत लोग Z900 खोजते हैं तो उनके लिए ये बाइक है। Z900 अगर नहीं ले रहे थोड़ा हटके, पावर भी ज़्यादा है, 3 सिलेंडर बाइक है, और डिटोना जो लोग चला चुके हैं उनको पता है 3 सिलेंडर बाइक कैसा होता है। तो ये जो है 765cc है, ये 2018 का गाड़ी है, और गाड़ी चला हुआ है 15,000 किलोमीटर, और गाड़ी में आपको फ्रंट का फ्रेम स्लाइडर मिल जाएगा, और बहुत काम का चीज़ है क्विक शिफ्टर, फ्रंट का क्विक शिफ्टर इसमें मिल जाएगा, तो इसमें आप एंजॉय करेंगे क्लचलेस ऑप्शिफ्ट, जो कि आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बाइक है इसका आस्किंग प्राइस हम लोग के पास है 6,00,000 रुपीज़, WP रजिस्टर्ड बाइक है, और बाइक थर्ड ओनर बाइक है, इसका आस्किंग प्राइस हम लोग के पास है ऑनली 6,00,000।
ओनली 6 लाख में आप लोग के बाइक मिल रही है। और आप लोगों को बताना चाहेंगे ट्रायम्फ एक ऐसा बाइक कंपनी है बाइक का जहाँ पे आप लोगों को सुपर बाइक मिले 3 सिलेंडर में और बहुत पावरफुल बाइक होता है। और जो लोग बिगिनर से जो लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे सुपर बाइक बहुत पावरफुल बाइक लेना है वो लोग ट्रायम्फ में स्विच कर सकते हैं।